क्या 15 मिनट की एक वीडियो में कनाडा के कुछ 5 बड़े शहर ट्रैवल करना पॉसिबल है? आप में से कई लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट हम आज ये करके दिखाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग जगह पे, एंड आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता, बिकॉज इट इज़ अ फेयरली वेरी वेरी न्यू अट्रैक्शन इन टोरंटो। एंड जैसा कि आप शोर सुन सकते हो, यहाँ पे वैसे भी एक काफ़ी कुछ विंटर फेस्टिवल भी चल रहा है, काफ़ी फूड ट्रक्स हैं, काफ़ी गाने बज रहे हैं, तो काफ़ी एक्साइटिंग, मतलब काफ़ी अच्छी वाइब है, राइट? बट हाँ, एनी वेज, जिस अट्रैक्शन में हम जा रहे हैं ना, वो एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी छोटी सी अट्रैक्शन है। आई नो, बड़ी और छोटी कन्फ्यूज ना, बट डोंट वरी, इट्स एक्चुअली लिटिल कैनेडा। और यहाँ पे ना कैनेडा की कुछ कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस का मिनिएचर वर्जन बनाया हुआ है, सो वो चलते हैं और देखते हैं। डेस्टिनेशन का इन्होंने मैप लगाया हुआ है, एंड इसमें अगर आप देखोगे तो कई सारी जगह बन चुकी हैं ऑलरेडी, एंड फ्यू ऑफ देम आर अंडर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि क्वेबेक बन चुका है, टोरंटो बन चुका है, एंड गोल्डन हॉर्सशू भी बना हुआ है, एंड नायग्रा भी बन चुका है, एंड कुछ जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड एज यू कैन सी, ये है नायग्रा फॉल्स, एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी सही रेप्लिका बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी दिखाया है कि आप नायग्रा फॉल्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ एंड क्या क्या एक्सपीरियंसेस इन्जॉय कर सकते हो। और ये है नायग्रा फॉल्स का गो स्टेशन। सो व्हेन वी ट्रेवल्ड फ्रॉम टोरंटो टू नायग्रा फॉल्स, तो हम भी ऐसे ही गो ट्रेन में इसी नायग्रा फॉल्स के स्टेशन पे उतरे थे। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो इस टाइम पे नायग्रा पर नाइट टाइम है, एंड इन्होंने ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट करा है कि इसमें डे टाइम भी होता है और लेटर ऑन नाइट टाइम भी आपको दिखाई देगा, जैसे कि अभी दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इन्होंने यहाँ और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हाइड की हुई है, लाइक अ ट्रेजर हंट, जैसे कि स्पेशली क्रिसमस पर इन्होंने ये चार चीज़ें छुपाई हुई हैं, जिसमें से हमने ये वाली द यूनिटी कप हमने ढूंढ लिया है, जो कि यहाँ पर रखा है नायग्रा फॉल लोकेशन पर। एंड साथ ही हर लोकेशन पर एक मूस भी छुपा हुआ है, कैनेडा में मूस फेमस होते हैं, तो यहाँ पर हमने उसे भी ढूंढ लिया है, जो मेड ऑफ द मिस्ट शिप में खुला है। और ये है नायग्रा सिटी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नायग्रा ऑन द लेक्स। और कहा जाता है कि नायग्रा ऑन द लेक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी इन द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो। और इसका मिनिएचर वर्जन देख के मैं कह सकता हूँ कि शायद ये बात सच है, और इसीलिए अपनी अगली नायग्रा फॉल्स की विजिट में हम नायग्रा ऑन द लेक्स ज़रूर जाने वाले हैं। टोरंटो। वाइल डिजाइनिंग दिस लिटिल कैनेडा, आर्टिस्ट्स को कुछ फ्रीडम दी गई थी टू मेक इट मोर एक्साइटिंग, इसलिए आप देखेंगे कि कुछ फनी और कॉमिक आइटम्स भी रखी हैं, जैसे कि इस छत पे एक यूएफओ खड़ा है और साइड में एक रकून अपनी ही पार्टी कर रहा है।
और ये वो जगह है जहाँ पे टोरंटो क्रिसमस मार्केट लगती है। इन रियलिटी रात में टोरंटो डाउनटाउन इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और टोरंटो की बात हो ही रही है तो सीएन टावर को हम कैसे भूल सकते हैं। एंड क्योंकि टोरंटो में कंस्ट्रक्शन होती ही रहती है तो इसलिए ये भी आर्टिस्ट ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है। Yeah, so one of the great things about working here is you get to find something new every day. Some new feature, some new detail, some new building that you want to explore, and then you get to learn about the people that influence Toronto or whatever area you're in. So that's what I enjoy about it, is learning about the people and the places that make up Little Canada. Now we are at Royal Botanical Gardens. अगर आपने हमारी बर्लिंगटन वाली वीडियो देखी है, उस पूरी वीडियो में हमने रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स काफ़ी सही से कवर किया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। बट फिलहाल यहाँ पे एंजॉय कर लो। सो दिस इज द हैमिल्टन एरिया। सो हैमिल्टन इज एक्चुअली फेमस फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो इसलिए अगर आप पीछे देखो, सारी इंडस्ट्रियल एरिया टाइप दिखाया हुआ है। कई बार होता है ना, जब आप किसी चीज़ का एक मॉडल बनाते हो तो आप उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हो। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये फॉल कलर्स इस लिटिल कैनेडा में जितनी खूबसूरती से दिखाए हैं, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये फॉल कलर्स रियलिटी में लगते हैं। इसलिए मेरा फेवरेट सीज़न तो फॉल सीज़न ही है। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज द लिटिल ओटावा, और ये है ओटावा की फेमस पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इससे ज़्यादा खूबसूरत पार्लियामेंट बिल्डिंग शायद ही आपने कहीं और देखी होगी। एज यू नो, ओटावा इज द कैपिटल सिटी ऑफ कैनेडा। बट यहाँ पे जापान के किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो हाँ, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि कनाडा में अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया जाता है। और ये है ओटावा का फेमस फेयरमोंट शेटू लॉरिएट होटल। Lots of creativity here in the Chateau Laurier, where some of the hotel rooms have all been, or each of the hotel rooms has been designed by a different one of our miniature makers. Lots of different influences. And अभी यहाँ पर Canada Day celebration शुरू होने वाला है। They're going to show कि कैसे Ottawa में celebrate होता है, it being the capital of Canada. और ऐसी सेलिब्रेशन देख के तो मन कर गया कि नेक्स्ट ईयर कनाडा डे ओटावा में ही क्यों ना मनाया जाए।
अब अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए, ये है क्वेबेक। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे विंटर सीजन दिखाया गया है। तो हाँ, ये भी एक खासियत है लिटिल कनाडा की कि यहाँ पे सारे ही सीजन्स इन्होंने कवर किए हैं, जैसे कि समर, स्प्रिंग, फॉल सीजन और अब यहाँ क्वेबेक में विंटर सीजन। और यहाँ कुछ लोग आइस फिशिंग करते हुए, हाँ ये भी एक विंटर एक्टिविटी है जो कई लोग एंजॉय करते हैं। और ये है दुनिया का दी मोस्ट फोटोग्राफ्ड होटल, द फेमस शेटू फ्रॉन्टेनैक इन द क्वेबेक सिटी। जब पहले ब्रिजेस नहीं होते थे तो इस क्वेबेक की सेंट लॉरेंट रिवर को लोग इन छोटी छोटी बोट्स में क्रॉस किया करते थे, इवन इन विंटर्स जब इसमें बर्फ जम जाती थी। लेकिन अब इसी को एक विंटर स्पोर्ट बना दिया गया है जिसमें दुनिया भर से लोग हिस्सा लेने आते हैं। यहाँ पे एक लिटिलाइजेशन स्टेशन बना है जहाँ पे आप खड़े होते हैं और 128 कैमरास आपकी डिफरेंट एंगल से फ़ोटो खींचते हैं, और ये सारी फ़ोटोज़ यूज़ होती हैं 3D प्रिंटिंग के लिए टू मेक योर मिनिएचर फिगरीन, जो कि आप या तो घर लेके जा सकते हैं या फिर लिटिल कनाडा में अपनी किसी फेवरेट डेस्टिनेशन में लगवा सकते हैं। और ये है मिनिएचर मिशन कंट्रोल, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है। और ये है मिनिएचर मेकर स्टूडियो, जहाँ पे आप एक्चुअल मिनिएचर आर्टिस्ट से बात कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि ये अपना काम कैसे करते हैं। And then we're able to add organic material to the ends of the branches we've created, and that creates the crown of the tree, which is a lot more detailed and full. और इन्होंने हमें ये भी बताया कि लिटिल कनाडा की एक सिटी में ही 3000 से ज़्यादा पेड़ लगे हैं, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे लिटिल कनाडा में कितने हज़ारों में पेड़ लगाए गए होंगे। और ये एक एक पेड़ का मिनिएचर बनाने में इन आर्टिस्ट को 2 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। सो गाइस, वी होप आपको आज मज़ा आया हो, क्योंकि हमें तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज हमारे लिए भी इट वॉज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। एंड एज वी सेड कि ये लोग प्लान कर रहे हैं पूरा कनाडा कवर करने का, सो आई एम श्योर कि आगे जाके ये जगह और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। एंड डेफिनेटली हम दोबारा इस जगह पे ज़रूर आने वाले हैं, तो अगर आप भी टोरंटो में हो या टोरंटो में आने वाले हो तो प्लीज़ इस जगह को विज़िट ज़रूर करना। इट वॉज लिटिल कनाडा और ये डाउनटाउन टोरंटो में यंग एंड डंडा स्क्वायर पे बना हुआ है, सो यहाँ पे ज़रूर आना। एंड फिलहाल तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।